नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों, कोरोना काल के देखते हुए 60,000 नौकरियां हैं वो अटकी हुई है, 40,00,000 युवाओं के सपने क्वारंटाइन। तो दोस्तों, 60,000 भर्तियां हैं वो अटकी हुई है कुल मिला के, सभी जो रीट की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, पटवार की, SSC GD, उन सभी भर्तियों के बारे में बात करेंगे हम। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो देख, बात कर लेते हैं क्या खबर है। जयपुर पिछले साल की तरह एक बार फिर बेरोजगारी के सरकारी नौकरी पाने के सपनों का ग्रहण लग गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 59,317 पदों की अलग अलग भर्तियां अटकी हैं। इन भर्तियों में 17,448 पदों की भर्तियां तो पत्रिकाधीन है और इनके आवेदन लिए जा चुके हैं। वहीं रीट और RS भर्ती 2018 जैसी परीक्षाएं कई सालों से चल रही हैं। इसके अलावा 41,869 पदों पर नई भर्तियां शुरू होनी हैं। अब इन भर्तियों की प्रक्रिया में भी देरी होना तय है। कुल मिलाकर प्रदेश में 40,00,000 से अधिक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। जिन परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है उनके लिए अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है, वह भी तब जब कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक कम हो जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को EWS कैटेगरी के नए प्रावधान लागू करके फॉरम रीओपन करने चाहिए। इसके तुरंत बाद परीक्षा तिथियों की भी घोषणा कर देनी चाहिए। भर्ती एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के मामले घटने के बाद वे सरकार के निर्देशानुसार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कर सकेंगे। तो दोस्तों, रीट के बारे में क्या खबर है वो देख लेते हैं। रीट और RS 2018 की भर्ती तो 3 साल से पूरी नहीं हो पाई। रीट का आयोजन 20 जून को होना है, लेकिन जून में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई। या कोरोना के मामले नहीं घटे तो रीट भी मुश्किल है। दोस्तों, अभी हम रीट की बात कर रहे थे तो बोर्ड ने भी कह दिया है कि रीट है वो 20 जून को फिक्स नहीं है। इसके अलावा अभी इनमें EWS कैटेगरी के नए प्रावधान भी लागू किए होने हैं। आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होनी है। इनको देखते हुए रीट के अभ्यर्थियों की भी अभी परीक्षा के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। RS भर्ती परीक्षा 2018 3 साल से चल रही है। 1,051 पदों की RS भर्ती 2018 में प्रक्रिया किसी तरह साक्षात्कार तक पहुंची थी कि अब कोरोना के चलते RS को इंटरव्यू स्थगित करने पड़े। आयोग 2009 भर्ती अभ्यर्थियों को में से केवल 975 साक्षात्कार ही ले पाया और 1,034 के साक्षात्कार बाकी रहे। ऐसे में भर्ती में देरी संभव है। परीक्षाओं की तिथि भी अभी तक तय नहीं हुई है काफ़ी परीक्षाओं की। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद सभी साथियों का, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए जो भी सरकारी नौकरियों से संबंधित जो भी सूचना होती है हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे, फैक्ट न्यूज़ आपके पास पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद सभी दोस्तों का, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों।